रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। देखो, आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी वीडियो है, क्योंकि ये फाइनल एचआर राउंड है। मैं इसको वन स्टेप टुवर्ड्स ऑफर लेटर नहीं बोलूंगा, बट वन स्टेप टुवर्ड्स डायरेक्टली ज्वाइनिंग कंपनी, ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि आप इस राउंड से रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है। बट एक चीज, मैंने मैनेजर डायरेक्टर राउंड जो है उसका एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था, और ये भी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो दो राउंड है, मैनेजर राउंड और फाइनल एचआर राउंड, इसमें आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। इसमें आपको स्मार्ट बनना है, बट ओवर स्मार्ट नहीं बनना। उसका मैं रीजन, मैं इतना मतलब हार्श लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता वीडियो में, बट ये दो राउंड में जो कैंडिडेट स्मार्ट बनता है वो इजीली, मतलब ऑफर लेटर तो निकलेगा, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, पैकेज, और आप कंपनी तो 100% ज्वाइन करोगे। बट अगर ओवर स्मार्ट थोड़े बन गए तो फिर वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस 90% है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट ये बहुत सिंपल राउंड्स होते हैं, मैनेजर और फाइनल एचआर राउंड, बट यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करके टैकल करना है, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, ये जो एक 7-8 क्वेश्चंस मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डाले, वो सब आपको पूछे जाएंगे फाइनल एचआर राउंड में। अभी एक चीज मैं बताता हूँ एवरी टाइम, तो यहाँ पर भी बताऊंगा कि जो मैनेजर और फाइनल एचआर राउंड है वहां पे ओवर स्मार्ट क्यों नहीं बनने का, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो दो राउंड लेने वाले जो पैनलिस्ट होते हैं ना, वो मोर देन 10 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस होते हैं। जो पहला एचआर राउंड होता है, जो कि आपको फोन कॉल आता है, या फिर पहला टेक्निकल राउंड वाला जो होता है ना, वो सिर्फ 3-5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते हैं, तो उनको आप इजीली टैकल कर सकते हो। बट ये जो मैनेजर और फाइनल एचआर राउंड जो होता है ना, वहां पे थोड़ा सा मतलब आपको स्मार्टली काम करना है, ठीक है। अगर आपने मैनेजर का राउंड वीडियो है वो नहीं देखा, तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए अभी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आपका ये राउंड स्टार्ट होगा, देन वीडियो वगैरह ऑन होगा, उनका भी होगा, आपका भी होगा फाइनल एचआर राउंड में। तो वो आपको स्टार्टिंग से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पहले 10 मिनट कैसा होता है कि वो आपको आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आपका लोकेशन क्या होगा या कंपनी के बारे में बताएंगे। मोस्टली स्टार्ट तो वो कंपनी से करते हैं कि देखो हमारी कंपनी ऐसी है वैसी है, 2005 में फाउंड हुई थी, देन इतने प्रोजेक्ट्स किए, इतने डोमेन्स में किए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कंपनी के बारे में आपको बताएगी। एक 5 मिनट तो कंपनी के बारे में बताएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल जो है, जो कि आप पावर बी आई डेवलपर हो, कंसल्टेंट हो, जूनियर डेवलपर हो, उसके बारे में आपको थोड़ा सा वो बताएगी, ठीक है। एंड देन फिर आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन तो आपको पता ही होता है, जब पहले डिसाइड, मतलब रिमोट मिलेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड या फिर ऑफिस वगैरह। यहाँ पर अगर जैसे मैंने पहले एचआर राउंड में बोला था कि कोई भी जॉब हो, फॉर एग्जांपल आपको रिमोटली वर्क करना है, ठीक है, तो आपको बैंगलोर से कॉल आया है, तो आपने बोला हाँ यस, जैसे मैंने बोला था कि यस बोलने का, इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देना है हमें, एंड देन फिर आप फाइनल एचआर राउंड तक तो गए और उन्होंने बोला कि आपका तो बैंगलोर लोकेशन है बट आपको रिमोटली चाहिए, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा थोड़ा पर्सनल इश्यू है कि इस वजह से मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकता, एटलीस्ट 1-2-3 महीने आप मुझे वर्चुअल ऑनबोर्डिंग दोगे क्या, मतलब वर्क फ्रॉम होम से ज्वाइनिंग दोगे क्या, और इनिशियली पहले 2-3 महीने सिर्फ आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दो, रिमोट दो, बाद में मैं रिलोकेट करता हूँ। फिर कभी कभी क्या इश्यू होता है, जब आप 2-3 महीने आपको मिलता है ना वो, तो अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है या फिर 2-3 महीने में कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई ना, तो फिर आपको कन्वर्ट होता है लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम में। ये बहुत से एम्प्लॉयज के साथ, स्टूडेंट के साथ हुआ है, मैंने देखा है। स्टार्टिंग में बोलते हैं नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही आना है, और फिर बाद में कुछ कुछ एम्प्लॉयज ने 2-3 साल तक काम किया। हाँ, बट आपको एक वैलिड रीजन देना है, क्या थोड़ा मेडिकल इश्यू है, थोड़ा ये इश्यू है वगैरह वगैरह, तो वो आप दे सकते हो। और फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस को एटलीस्ट हाइब्रिड मॉडल में या फिर रिमोट वर्क में आप ये कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि क्लाइंट से मैं रिक्वेस्ट वगैरह करता हूँ, ये सब चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट ये होगा, जॉब प्रोफाइल, आपका लोकेशन, काम का, और कंपनी के बारे में सब चीज़ें बताएगी।
देन फिर आप ये सब चीजें पूछ सकते हो कि आपके वर्क टाइमिंग क्या है। तो देखो इंडियन क्लाइंट होगा तो 9 to 6, 10 to 7 होगा, और यूएस का या फॉरेन क्लाइंट होगा तो 2 से 11 या 3 से 12 ऐसे मोस्टली होते। तो वो आपको प्रॉपरली वर्क टाइमिंग्स वगैरह पूछना है। आप ये भी पूछ सकते हो कि कंपनी के वर्क पॉलिसी में प्रोबेशन पीरियड कितना है। मोस्टली 6 months का होता है, और कुछ कंपनी में 3-6 months ऐसा होता है। फिर आप बोल सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा मुझे, ये सब चीजें पूछ सकते हो आप बिंदास। बट एक याद रखना, इस राउंड में आप उनको नोटिस पीरियड के बारे में नहीं पूछोगे, क्योंकि ये इतना गलत इंप्रेशन डालेगा कि आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, मतलब 2-3 दिन बाद कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, और आप नोटिस पीरियड के बारे में पूछ रहे हो। ये सब चीजें आपको ऑफर लेटर में आने वाली है, तो वहां पर आप रीड कर देना, पर उनको मत पूछो। या फिर हाइक के बारे में मत पूछो कि कब हमको हाइक मिलता है, कौन सा साइकिल होता है, या फिर कितने हॉलीडेज है, 20-25 जो भी हॉलीडेज है वो कितने हॉलीडेज, या फिर सैलरी डे कौन सा होता है, 1 तारीख को सैलरी मिलती है या 7 तारीख को। तो ये 4 क्वेश्चन है ना, ये आपको इसमें अवॉइड करना है। ये सब बाद में आपको पता चलता है, ठीक है, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो। पहले 8-10 दिन जो है ना, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नोटिस पीरियड आपको नहीं पूछना, आपको हाइक के बारे में भी नहीं पूछना, हॉलीडे सैलरी, ये बैड इंप्रेशन क्यों डालेगा। अगर आप हाइक के बारे में फाइनल एचआर में भी पूछोगे ना, फाइनल एचआर राउंड में, तो वो बोलेगा खाली ये पैसों के लिए काम करना है, या फिर हॉलीडेज के बारे में पूछोगे तो एक गलत इंप्रेशन डालता है वो, या फिर सैलरी डे, या फिर उनको दिखेगा कि ये खाली पैसों के लिए काम कर रहा है। उनको दिखाना है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए, कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो, खुद के, मतलब सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट बट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन फिर आप पूछ सकते हो कि हमें किस प्रकार के ट्रेनिंग्स मिलेंगे, मतलब जब कंपनी में ज्वाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया, तो कितने दिन तक मुझे केटी होगा, ट्रेनिंग्स वगैरह होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी अगर कुछ होगा, जैसे कि अभी AWS पे बहुत कंपनी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह ऐसे मिलेगी कि, या फिर कूपन्स वगैरह मुझे मिलेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल यूडीमी का कोर्स मैंने किया, देन फिर वो रिफंड वगैरह होगा, ये आप पूछो। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये लर्निंग के बारे में बहुत सोच रहा है, या फिर कुछ माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्स है उसके कूपन्स वगैरह मिलेगा का, ये आप पूछो। देन फिर आप ये बोल सकते हो, देखो ये राउंड है ना, इसमें क्वेश्चंस इंटरव्यू टाइप नहीं होता, ये इंटरेक्शन टाइप होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप पूछ सकते हो। तो आप भी उनको बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल्सो आस्क अबाउट टीम एंड प्रोजेक्ट, हाँ आप उनको प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हो। देखो एचआर को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, बट फिर भी जो फाइनल एचआर राउंड होता है उसमें 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले एचआर लेते हैं, इस वजह से उनको आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके टीम के बारे में थोड़ी आइडिया होती है, तो वो आप उनको पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर ये वो पूछेगा कि देन व्हेन आर यू ज्वाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस पीरियड पे हो, तो वो आपको बोलेगा कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है, तो आप बोलेंगे 10th of January मेरा लास्ट वर्किंग डे, तो वो बोलेंगे कि 5th of January तक आप ज्वाइन कर सकते हो क्या, एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ऐसे कुछ इंटरेक्शन होंगे। तो आप जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप क्लियरली बता सकते हो, बट अगर इफ पॉसिबल है आपका वहां का नोटिस पीरियड कम हो के एज अर्ली एज पॉसिबल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ये जो आपकी न्यू कंपनी है जहां पर आप एचआर राउंड दे रहे हो, तो आप बोल दो कि हाँ मेरा नोटिस पीरियड 1 महीना है, बट मैं 10-12 दिन में ज्वाइन कर सकता हूँ, सो दैट आपकी ऑफर एज अर्ली एज पॉसिबल रिलीज होगी और आप फिक्स हो गए 100% कि ये हमारे कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। कभी कभी इस राउंड से भी आपका जो ये है रेज्यूमे वगैरह है ये होल्ड पे जाता है, उस रीजन ये है कि उनको कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट एज अर्ली एज पॉसिबल मिल जाता है, और आप 2 महीने बाद ज्वाइन करते हो, तो इस वजह से आपका होल्ड पे जाता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उनको स्ट्रेटली बताओ, या फिर आई एम निगोशिएटिंग माई नोटिस पीरियड विद माई मैनेजर एंड आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट 2 to 3 days, ऐसा बोल सकते हो। अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। उससे पहले ये बताता हूँ, देखो ये आपको एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछेगी, हॉबीज वगैरह पूछेगी, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, बोलेगे आपको क्या हॉबीज वगैरह पसंद है, फिर जो भी आपका हॉबीज वगैरह वो आप बता देना एजुकेशन के बारे में। हाँ मैंने 10th यहाँ से किया है, 12th वहाँ से किया है, इंजीनियरिंग यहाँ से की है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी वगैरह एक्सेट्रा, इसके बारे में आपको पूछोगे। फिर पूछेगा कि इंजीनियरिंग करते वक्त गैप था क्या, अगर पूछा नहीं तो खुद मत बताना। अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस आपने 4 साल की इंजीनियरिंग में 5 साल आपको लगे हो,
तो आप खुद मत बताओ, अगर पूछेंगे तो ही हमारी जो निगेटिव चीज है वो हम खुद कभी नहीं बताना चाहिए, जब वो एक दो बार पूछेंगे तब फिर उनको बताने का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो, अभी ये मेन क्वेश्चन है, इसके लिए हमारा एचआर राउंड होता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपका CTC 5 लाख है, तो देखो पावर बी आई टूल होगा या फिर SQL होगा या फिर जो भी क्लिक सेंस पावर एप्स जो भी है आपका, उसमें जो आपको मार्केट स्टैंडर्ड जितना मुझे नॉलेज है उसमें आपको 50-80% हाइक मिलता है, ठीक है। लेस देन 50 लोगे तो गलत बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है या फिर आपके दो जॉब्स के बीच में गैप है तो फिर आप लेस देन 50 ले सकते हो, 30-40% ले सकते हो, बट इन केस आप 50-80% आपने लेना चाहिए, क्योंकि पावर बी आई टूल का जो मार्केट में जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 लाख का पैकेज है तो आपको 8 लाख या फिर मोर देन 7.5 लाख आपने लेना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। या फिर आपके पास, आपको हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, अगर आपको बहुत जरूरत है तो आप 5 लाख का पैकेज है तो 7 लाख पे भी काम कर सकते हो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो आप 7 पे भी काम करो, बट ऑफिस मिल रहा है तो 7.5, 8 तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड जो है वो 50-80% हाइक पावर बी आई SQL में या फिर डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में मिलता है। तो वो कैसे आपको टैकल करना है, वो बोलेंगे कि नहीं हम इतना नहीं देंगे, तो उनको आप बोलो कि हमने प्रोजेक्ट में जब काम किया है तब एंड टू एंड काम किया है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोलो, फ्रेशर तो बहुत अच्छा है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि देखो मुझे पावर बी आई भी पूरा आता है, उसमें ऑल 6 कंपोनेंट्स, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स, पावर बी आई सर्विस, एवरीथिंग, SQL भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, डेटा कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम क्लाइंट के साथ डायरेक्टली वन टू वन बात करते हैं, क्लाइंट के स्टेक होल्डर्स के साथ, एंड यूजर के साथ, या फिर अजाइल मेथोडोलॉजी में हमारी मीटिंग्स वगैरह बहुत होती है। तो ये जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज कॉन्फिडेंस या वेदर इट इज कम्युनिकेशन, इसको हम एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टैकल कर सकते हो कि हाँ, जो मुझे इतने सारे टूल्स आते हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, मेरे इतना इतने सारे स्किल्स हैं, जहां पर आपको दो कैंडिडेट चाहिए वो मैं अकेला ही कर सकता हूँ, जहां पर आप 7-7 LPA पे दो कैंडिडेट लोगे 14 LPA पे, वहां पर आप मुझे ही 9 या 10 का पैकेज दे दो, मैं दोनों चीजें हैंडल कर सकता हूँ। ये चीजें होती है, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, ये वर्क होता है कभी कभी, आपको सिर्फ प्रॉपरली बोलना है, बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशन, फिर आप बोल सकते हो कि मैंने प्रोजेक्ट डोमेन जो है वो फाइनेंस के प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने लॉजिस्टिक्स के प्रोजेक्ट पे काम किया, फार्मेसी हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर एज ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर काम किया है, टीम में काम किया है, सब लीडरशिप क्वालिटी वगैरह, यहाँ पर आप बड़ा चढ़ा के बहुत चीजें आपकी बोलना है। बट अगर उनका बजट नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेटली बोले कि हमारा बजट ही नहीं है, हम दे ही नहीं सकते, तो आप फिर क्या करो, आप बोलो उनको कि ठीक है, आप मेरा 5 LPA पैकेज है, आप 7 ही दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप 7 ले लो, 8-10 दिन आगे की ज्वाइनिंग ले लो, ऑफर लेटर निकालो, और उस ऑफर लेटर पे, 7 LPA के ऑफर लेटर पे दूसरे कंपनी पे 9-10 का पैकेज, 8-10 का पैकेज निकाल सकते हो। बट अगर वो बोलेगे कि हाँ मेरा बिल्कुल, हमारा बजट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट आप ऐसा मत बोलो कि नहीं मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, जाने दो, उनका ऑफर लेटर आप निकालो, ऑफर लेटर ज्यादा से ज्यादा निकालना, या फिर मेल पर, ईमेल पर CTC ब्रेकअप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका प्रूफ होता है कि आपके पास 7 LPA का पैकेज है, या फिर फ्रेशर के कंडीशन में आपके पास 3 LPA का पैकेज है, फिर वो सॉरी ऑफर है, फिर वो ऑफर आप दिखा के सामने वाली कंपनी से आप ज्यादा से ज्यादा पैकेज ले सकते हो, एंड आप उनको बोल सकते हो कि वो मेरा जो पुराना वाला ऑफर है वो वर्क फ्रॉम होम का है, फिर वहां पर भी आपको दूसरे कंपनी में वर्क फ्रॉम होम तो मिलेगा, प्लस 1-2 लाख से पैकेज भी ज्यादा मिलेगा, इस प्रकार से आपको टैकल आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सैलरी का पॉइंट 2-3 2 मिनट मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, इसको 2-3 बार रिवाइंड करके सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्मार्टली आपको काम करना है, मैंने जैसे बोला था स्मार्ट बनना है और स्मार्ट नहीं बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन स्विचेस एंड करियर गैप्स, 2 मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है ना।
हाँ एक्सप्लेन स्विचेस एंड करियर गैप्स। हाँ तो वो अगर आपके रेज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखेगा, अगर फ्रेशर के कंडीशन में तो कोई इश्यू नहीं है, पहले फ्रेशर का बताता हूँ। फ्रेशर के कंडीशन में आपको अगर इंजीनियरिंग का गैप होगा तो आप बोल सकते हो थोड़ा मेडिकल इशू हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या फिर वो ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। बट ऐसा मत बोलना कि मैं, हाँ मैं खुद YD हो गया था, कुछ तो एक अलग रीजन आप बताओ जो कि जस्टिफाई करेगा। ठीक है, और नाउ कमिंग टू स्विचेस। आपने इतने स्विचेस मतलब 3 साल में 2 कंपनी क्यों चेंज की, तो वो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा जो पुराने वाला कंपनी था वहां पर मैंने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया 1.5 साल पे, और आने वाले जो प्रोजेक्ट थे नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट वो भी सेम ही थे और सेम टूल पे थे और सेम टेक्नोलॉजी सेम रिक्वायरमेंट्स थी, तो मेरा लर्निंग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैंने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे अलग प्रोजेक्ट दो, मैनेजर बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते। देन उस केस में मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ, मुझे यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, ऐसा कुछ तो एक दो डायलॉग मारो। तो फिर उनको बोलने का इस रीजन के वजह से मैं स्विच कर रहा हूँ, पहला ये रीजन दे सकते हो। दूसरा रीजन दे सकते हो कि मुझे नए नए टूल्स नए नए टेक्नोलॉजीज डेटा एनालिटिक्स में सीखना है। डेटा एनालिटिक्स में ओनली पावर बी आई नहीं होता, बहुत सारे चीजें 10-12 चीजें से मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा वो। ठीक है, तो मुझे अदर टूल सीखना है, अदर प्रोजेक्ट्स सीखना है, या फिर मैं वहां पे टीम में काम करता था, अभी मुझे इंडिविजुअली काम करना है थोड़ा एक अलग लेवल का, क्योंकि मैं 5 साल बाद खुद को टेक्निकल आर्किटेक्ट डिलीवरी मैनेजर ऐसा इस पोजिशन में देखता हूँ, इस वजह से मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। ये 2-3 रीजन आपके पास अच्छा है, अगर आपके पास कुछ अच्छा रीजन होगा आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो वैलिड है बोलने के लिए। ठीक है, करियर गैप्स में अगेन फिर मैंने बोला कि आप अगर YD वगैरह हो ईयर डाउन तो आप बोल दो, कुछ तो अलग रीजन दे दो। ठीक है, व्हाई यू सिलेक्टेड डेटा एनालिटिक्स और पावर बी आई एज अ करियर। देखो फिर इस केस में आप ऐसे डायलॉग मार सकते हो कि डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं एज ए इंडियन, हम सब ने बचपन में माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पे काम करना स्टार्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, या भी पावर पॉइंट है, वर्ड वगैरह, तो एक्सेल मेरा बहुत फेवरेट था। फिर वहां से मुझे पता चला कि एक्सेल का एडवांस वर्जन 2015 में आया है पावर बी आई, फिर हमारे टीचर ने हमको बताया, या फिर वहां से मुझे जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा लगा, मैं ड्राइंग में अच्छा था, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वहाँ वो चीज़ ने मुझे पावर बी आई या फिर डेटा एनालिटिक्स में अट्रैक्ट कर दिया, फिर वैसे मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट किया। आप यूडीमी बिंदास बोल सकते हैं, यूडीमी बहुत प्रोफेशनल है, वहां से लर्निंग की, यूट्यूब से लर्निंग की, एक दो यूट्यूब चैनल के नाम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ब्लॉग्स के नाम ले लो, फिर उससे मैं या फिर मतलब डिजिटल मार्केटिंग करता था, फिर वहां पे एनालिटिक्स बहुत होता है, गूगल एनालिटिक्स या फिर ब्लॉगिंग वगैरह ऐसी चीजें, वहां से फिर मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ इस टूल पे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पावर बी आई बहुत बूम हुआ था 2017-18 में, तो उस वजह से हमारे कंपनी ने हमारे सारे एम्प्लॉयज को पावर बी आई की ट्रेनिंग दे दी, जो कि होता है आज 2021-22-23 में AWS की ट्रेनिंग सबको देते हैं क्योंकि वो बहुत फॉर्म में है। वैसे ही 2-3-4 साल पहले पावर बी आई का ट्रेनिंग देना स्टार्ट हुआ था, मेरे कंपनी में हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर वहां से हम पावर बी आई को इंट्रोड्यूस हो गए, फिर वहां से हमने लर्निंग स्टार्ट की, हमने कुछ असाइनमेंट्स किए, प्रोजेक्ट्स किए, एंड देन फिर इस तरीके से मैं आ गया और फिर मेरा भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने पावर बी आई के बाद SQL सीखा, फिर मैंने कुछ पावर ऐप सीखा, पैजिनेटेड रिपोर्ट, ये सब चीजें आप बोल सकते हो। हाउ विल यू ग्रो आवर कंपनी, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप बोल सकते कि मैं जो फ्रेशर है वो बोल सकते कि मैं हार्ड वर्क करूँ, स्मार्ट वर्क करूँ, लीडरशिप क्वालिटी है, मैं प्रोजेक्ट इन टाइम आपको दे दूंगा कंप्लीट करके, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरा जो पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, भले ही फ्रेशर हो तो जो आपका ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है वहां पर मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए, बहुत असाइनमेंट्स किए, मैंने मतलब NGO में काम किया, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो फ्रेशर, और फिर वो पूरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे डाल के प्रोजेक्ट्स इन टाइम डिलीवर करूंगा, बजट्स आपका कुछ इश्यू नहीं होगा बजट्स का, जब प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर होते हैं तो उनका जो बजटिंग का कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, फ्रेशर ये बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस क्या बोल सकते हैं कि मेरे पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड काम किए। ठीक है, वेदर इट कम्स टू पावर बी आई रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ये सब चीजें SQL में सब चीजें काम किया इन टाइम, मैंने सारे डोमेन्स पे काम किया, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस डोमेन एक होता है प्रोजेक्ट का, लॉजिस्टिक्स होता है, हेल्थ केयर का होता है, फिर मैं आपको बोलता हूँ पॉलिटिक्स का डोमेन होता है। अभी इंडिया में ये सब चीजें ज्यादा वर्क नहीं करती पॉलिटिकल डेटा पे, बट बाहर
आप 2018 का यूएस इलेक्शन आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का, तो उस वक्त भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स बहुत वहां पे लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो ऐसे सब डोमेन्स का मुझे नॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा टूल्स का मुझे नॉलेज है, मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, और डिप्लॉयमेंट भी कर सकता हूँ, तो जहां पर दो लोगों की जरूरत है मैं अकेले कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें, या फिर मेरा जो कम्युनिकेशन है मैनेजर के साथ, बॉन्डिंग है पिछले कुछ सालों में, वो मैंने देखा है, तो उसके वजह से प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर होना और क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है। मतलब ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर किया और कुछ भी गलत चीज है, ऐसा नहीं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर करना और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो ये दोनों चीजें मैंने पिछले 3 साल में इजिली टैकल आउट किया, तो वो भी मैं यहाँ पर करूंगा, और इस वजह से मैं इजीली हमारे प्रोजेक्ट सब प्रॉपरली करूंगा, और उससे हमारी कंपनी ग्रो होगी और फ्यूचर में हमारे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शो देम यू नीड जॉब एंड विल वर्क हार्ड। तो आप जहाँ यहाँ पर जब स्मार्ट बन रहे हो ना, तो आपको दिखाना है आपको जॉब की भी जरूरत है, ऐसा नहीं दिखाना कि मेरे बहुत मतलब बहुत कंपनी में हो रहा है ऑफर्स, इन पाइपलाइन है बाकी के ऑफर से, और आपके कंपनी पे नहीं होगा तो दूसरे कंपनी में होगा, ऐसा नहीं दिखाने का। आपको जरूरत है, ठीक है, आप यहाँ पे ही ज्वाइन करने वाले हो, उसी कंपनी में जिस कंपनी का एचआर राउंड दे रहे हो उसी कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हो, ये आपको दिखाने का है, बहुत दिखाने का। हाँ, आप ये दिखाओ कि आपके पास एक मतलब जो स्किल्स वगैरह है बहुत बढ़िया है, बाकी के जो सॉफ्ट स्किल्स होता है वो भी बहुत बढ़िया है, वो दिखाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ वो मतलब पॉइंट, जब आप कुछ पॉइंट्स बोल रहे हो तो एंड पॉइंट जो है वहां पर आप बता दो कि हाँ आपको जरूरत भी है जॉब की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये कुछ 8 पॉइंट्स थे, 8 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रॉपरली मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है, या फिर मैंने जो एम्प्लॉयज देखे, स्टूडेंट्स देखे, उसके बेसिस पे मैंने सब चीजें, या फिर जो मैंने भी फेस किया वो सब चीजें यहाँ पे बताइए, प्रॉपरली सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, 99% तो क्रैक हो जाता है, पर अगर थोड़ा आपका इश्यू होता है तो वो होल्ड पे भी पड़ता है। ठीक है, तो सब चीजें मैंने बताई है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।